जोहार, जय मुल्यवासी। मैं रविंद्र आने और आप देख रहे एमएन टीवी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी हस्ती में से एक है। उनके इंस्टाग्राम पर करीब 30 करोड़ फॉलोअर्स है। जाहिर है, ऐसे में उनके किसी भी इशारे या एक्टिविटीज का किसी भी उत्पाद के ब्रांड वैल्यू पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोक और पानी को लेकर किए गए उनके इशारे मात्र से कोको कोला कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। रोनाल्डो इन दिनों यूरो कप 2021 में पुर्तगाल के तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा है। सोमवार को पुर्तगाल और हंगेरी का मुकाबला था। मैच से पूर्व संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए रोनाल्डो आए। उनके सामने कोको कोला की दो बोतलें रखी हुई थी। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। उसके पहले रोनाल्डो ने कोको कोला की दोनों बोतलों को हटाकर बाजू में रख दिया। यही नहीं, उन्होंने मेज पर रखी पानी बोतल को उठाकर दिखाया। उनके इस इशारे का मतलब था कि सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पानी का इस्तेमाल करो। खास यह है कि कोको कोला यूरो कप के प्रायोजकों में शामिल है, पार्टनरशिप में है। स्पेनिश डेली मार्का की खबर के मुताबिक कोक यूरो 2020 का एक प्रायोजक है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने ऐसा करने के बाद कंपनी का शेयर भाव गिर गया। इसका मतलब कंपनी को अरबों डॉलर का घाटा हुआ। यूरोपीय चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा गोल करने वाला, रिकॉर्ड बनाने वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार कहा था कि मैं अपने बेटे को लेकर बहुत सख्त हूँ। कभी कभी वो कोक और फेंटा पीता है, वो चिप्स खाता है, वो जानता है मुझे पसंद नहीं है। ये रोनाल्डो के विचार है। मगर अब हमारे देश के सेलिब्रिटी क्या करते हैं ये भी देखते हैं। भारत रत्न का पुरस्कार देते समय भारत रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जा सकता है, मगर इस महान क्रिकेटर को उनकी महानता की वजह से उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। वह था सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, मगर वो बूस्ट इज माय सीक्रेट ऑफ एनर्जी की एडवर्टाइज करने लगे। और ऐसी एडवर्टाइज करने वाला महान क्रिकेटर 27 मार्च 2021 को कोरोना से संक्रमित हो गया। इसके बाद 2 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित है और इस महामारी के समय उनके और से मदद करने का ज्यादा दायित्व बनता है। पहली बार उन्होंने 50 लाख रुपए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सहायता निधि में दिया था, मगर बाद में कोई मदद नहीं किया। और क्रिकेट के संन्यास लेने के बाद राज्यसभा के सांसद बने। हालांकि कभी सांसद में ईद के चांद जैसे दिखाई देते हैं, मगर देश के समस्याओं पर कभी बात नहीं करते, मौजूदा सरकार से सवाल नहीं पूछते, कई निजी कंपनियों के झूठे इश्तेहार करते हैं, करोड़ रुपए की माया इकट्ठा की। पेटीएम कंपनी के मालिक विजय शंकर शर्मा ने पेटीएम फर्स्ट गेम का सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पेटीएम फर्स्ट 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यह एक तरीका जुआ है। और जुआ खेलने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए सचिन तेंदुलकर को मोटी रकम देके ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी उन्हें खरीदा है। वैसे ही हॉर्लिक्स की एडवर्टाइज करने वाला महान आला है और कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजाने वाला अमिताभ बच्चन कोरोना की पहली लहर में अस्पताल में भर्ती हुआ था और उनका सारा परिवार भी भर्ती हुआ था। उस समय सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन जमकर ट्रोल हो गए थे। दूसरे अजय देवगन और शाहरुख खान जैसे लोग विमल गुटके की एडवर्टाइज करते हैं। यह दोनों सेलिब्रिटी 25 रुपए में नशा करने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं और इसी 25 रुपए में केसर का आनंद दाने दाने पर दे रहे हैं। यह हमारे देश की सेलिब्रिटियों की भयानक मानसिकता है। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।